रचाकुंडा साइबर क्राइम पुलिस ने ऑनलाइन इंस्टेंट लोन फ्रॉड के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के सिलसिले में दो अफराद बशमूल एक चीनी शहरी को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर रचाकुंडा पुलिस महेश भगवत ने बताया कि एचई जियान और विवेक कुमार को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 4 लैपटॉप, 2 मोबाइल फोन, 1 आईपैड, एप्पल मिनी सीपीयू, चाइना सिटी बैंक क्रेडिट कार्ड और दूसरे सामान को जब्त किया गया। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने बताया कि इंस्टेंट लोन फ्रॉड के सिलसिले में पहले गिरफ्तार किए गए परशुराम लालू और एक खातून लियोंग सीटोन आकिब शेख की पूछताछ से मिली मालूमात के बाद जियान और विवेक कुमार की गिरफ्तारी अमल में आई है। मस्कुरा मुलजमीन पूना में कॉल सेंटर चला रहे थे और इंस्टेंट लोन का लालच देकर धोखादही और हरासानी में मुलव्वस थे। जियान 2019 में बिजनेस वीजे पर हिंदुस्तान आया था। ये टोली फर्स्ट कैच, रियल रूपी, पॉकेट रूपी, कूल रूपी, मैनिबेल और दूसरे नामों से ऐप तैयार करके लोन फ्रॉड में मुलव्वस थे। कर्ज अदा न करने पर कर्ज दहिंदगान को हरासा और गाली गलौज की जाती थी। इस टोली के बैंक अकाउंट में मौजूद 28 करोड़ रुपए की रकम मुंजमित कर दी गई है। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भी कर्ज दहिंदगान को यह ग्रुप हरासा किया करता था। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने अवाम को इस तरह के लोन ऐप से मोहतात रहने का मशवरा दिया है। और जो 4 कंपनी के लिए ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव ये चाइनीज डायरेक्टर ने उसे अपॉइंट किया है, उसे हमने कल हिरासत में लिया। उसके साथ में एक विवेक कुमार करके अकाउंटेंट अजय सॉल्यूशंस और इपो को क्रेडिट का, उसे भी हमने अरेस्ट किया और इनके पास से 4 लैपटॉप, 2 मोबाइल फ़ोन, आईपैड और बाकी सामान हमने बरामद किया है। ये जो ही जियान करके जो चाइना का रहवासी है वो 2019 में यहाँ पर आया है बिजनेस के तौर पर और वही ये 4 कंपनी का बिजनेस वहाँ पे चला रहा है। ये अजय सॉल्यूशन का तकरीबन 28 करोड़ रुपीस का बैंक अकाउंट हमने अभी फ्रीज किया है, तो अभी तक हमने तकरीबन 30 करोड़ तक का बैंक अकाउंट हमने कैश फ्रीज किया हुआ है। तकरीबन अभी हमने 24 ऐप्स अभी हमने निकाले हैं कि जो ऐप ये लोग हैरास करने के लिए लोगों को यूज़ कर रहे हैं, जिसके जरिए शुरू में थोड़ा सा माइक्रो फाइनेंस करते हैं और उसका रिकवरी तुरंत एक हफ्ते के अंदर इनको 50% से ज़्यादा रेट से चाहिए और अगर रिकवरी में किसी की कमी हो गई तो कॉल सेंटर के जरिए काफ़ी गंदी गंदी बातें करके लोगों को हैरेस कर रहे हैं। उन जो ऑलरेडी जब ऐप कोई डाउनलोड करता है तो साथ में अपना कॉन्टैक्ट लिस्ट और पिक्चर्स और गैलरी एक्सेस भी दे देता है, इसलिए कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉल सेंटर वाले मिसयूज़ करते हुए वो कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने लोग हैं उनको ये आपका जो फ्रेंड है, आपका रिश्तेदार है, ये चोर है, उसके ऐसे उसको बदनाम कर रहे हैं। वो बदनामी से कारण आपको मालूम है कि ऑलरेडी हमारे स्टेट में अभी तक 6 लोगों ने यहाँ सुसाइड भी किया हुआ है, तो इतना मेंटल हैरेसमेंट ये लोग कर रहे हैं। तो इसीलिए हम अभी प्रोएक्टिवली हमारा रचाकुंडा कमिश्नरेट है, हैदराबाद और साइबराबाद कमिश्नरेट, हम सब मिल के अभी ये माइक्रो फाइनेंस जो ऑनलाइन लोन ऐप है इसके खिलाफ सख्त हम कदम उठा रहे हैं। लोगों को हमारी यही गुजारिश है कि जो ये माइक्रो फाइनेंस के लोन ऐप जो ऑनलाइन लोन दे रहे हैं, जिनको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का रिकॉग्निशन रिजर्व बैंक से नहीं है, ऐसे ऐप आप डाउनलोड मत कीजिए।